कहना और अनंत की ये जोड़ी और इन दोनों का साथ हम सबको तो लगता है बहुत प्यारा, और हम तो यही चाहते हैं कि इनकी लाइफ में अब ना आए कोई भी नया ट्विस्ट, लेकिन क्या करें, आते रहते हैं नए नए ट्विस्ट इनकी कहानी में भी। मकर संक्रांति का त्योहार, खुशियों पर लगा ड्रामे का ब्रेक। कहना ने किया कनक पर वार। कनक भाभी, सच सच बताइए क्यों कर रही हैं आप, वरना मैं आपकी जान ले लूंगी। ये सब आपकी वजह से हो रहा है, क्यों कर रही हैं आप मेरे साथ ऐसा, बोलिए क्यों झूठ बोल रही हैं, क्यों मुझे फंसा रही हैं। स्टार प्लस के सीरियल साथ निभाना साथिया 2 में मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्योहार। सभी बहुए पतंगबाजी में लगी है और चारों तरफ बस खुशियां ही खुशियां हैं। जब भी कुछ सेलिब्रेशन होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मसाला, कुछ ना कुछ ड्रामा होता है, तो आज भी यही है। हम सब संक्रांति मना रहे हैं और पतंग उड़ा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, बट उसी बीच एक टेंशन आ जाता है। लेकिन इन खुशियों पर जल्द ही लग जाता है ब्रेक। भाई कनक ने चल दी है ऐसी चाल जिसके बाद फूट गया है गहना का गुस्सा, और देखे तो जरा गुस्से में आकर कैसे वो कर देती है कनक पर वार। जिसके बाद सभी घर वाले गहना को रोकने की कोशिश करते हैं और उसे रस्सी से बांध देते हैं। क्यों किया ऐसा, क्यों झूठ बोल रही, वरना मैं सच में आपकी जान ले लूंगी कनक भाभी, बताइए। क्योंकि मैं मेडिसिन के इसमें हूँ, मेरा और एक लेवल एंगर हाई हो जाता है और मुझे इतना गुस्सा आता है कि ये सब कनक भाभी की वजह से हो रहा है। आज मेरा पति ने मुझसे कह दिया कि हमारा रिश्ता कोई मतलब का नहीं, हम दोनों एक साथ है ही नहीं, तो अनंत जी का साथ छूटना मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो मुझे वो पॉइंट ट्रिगर कर जाता है, तो मैं जाती हूँ और मैं कांच की बॉटल उठाती हूँ, मैं फोड़ती हूँ और मैं कनक भाभी को कहती हूँ कि सच बता दो अब, नहीं तो आपकी जान तो गई, मैं आपकी जान ले सकती हूँ क्योंकि मैं वो हूँ मेडिसिन के, यू नो। हाँ, तो कनक भाभी फिर सब मुझे बांधते हैं कि ताकि उनको लग रहा है मैं पागल हो गई हूँ, मेंटली डिस्टर्ब हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है भाई। डॉक्टर अभय की दवाइयों का असर गहना पर कुछ ऐसा हो रहा है कि उसका पागलपन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, और ऐसे में अनंत के साथ सभी घर वाले गहना को पागल समझने लगे हैं। इवन इतना उसका बर्ताव चेंज हो गया है कि अब मॉम को भी लगने लगा है मेरी कि ये वो गहना नहीं है, पहली वाली गहना नहीं है, ऐसा गहना ने कभी नहीं किया। तो हाँ, ये ज़रूर है, शायद यू नो सिचुएशंस भी हैं, लोगों की बातें भी हैं, और तो अब कहीं, और जब वो खुद गहना से बात करने जाता है तो भी उसको जवाब नहीं मिलता है। वैसे इसके बाद कहानी में आएगा एक और नया मोड़ जहाँ घर वाले गहना को पागल खाने भेज देंगे। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, मुझे हेल्थ केयर नहीं जाना, आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे बाबूजी, मुझे बताया जा रहा है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ बाबूजी, अगर आप लोगों ने मुझे जबरदस्ती भेजा ना तो मैं यहाँ से कूद कर अपनी जान दे दूंगी, मैं कूद जाऊंगी। नहीं, मेरे पास बताइए, मैं जानती हूँ आप भी मुझे हेल्थ केयर भेजना चाहते हैं ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपसे दूर जाने से अच्छा कि मैं अपनी जिंदगी से ही दूर चले जाऊंगी। मैं तुम्हें कहीं नहीं भेजूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा तुम्हें, तुम बस मेरे पास आ जाओ। अनंत जी प्लीज, अब किसी की बात में मत आइए, अनंत जी सब झूठ है, मैंने ये सब आपके लिए, आपको सरप्राइज देने के लिए, आपकी खुशी के लिए किया। अनंत जी, अनंत जी हमारी जिंदगी में खुशियाँ फिर से आएंगी, बेबी फिर से आएगा, यही सच है अनंत जी, आपको मुझ पर विश्वास। विश्वास है कहना, पूरा विश्वास है, आई ट्रस्ट यू, बस तुम मुझे हाथ दो, नीचे आ जाओ, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। कि कैसे गहना खुद को बेगुनाह साबित करती है और ये भी साबित करती है कि वो पागल नहीं है, और कैसे होता है कनक का पर्दाफाश। मुंबई से अनुराग गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।